Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of microcontroller and embedded system, that is keyboard interfacing with 8051 microcontroller. So this is a new chapter. इसमें हम सारी पेरिफेरल डिवाइस की इंटरफेसिंग जो है विद द माइक्रोकंट्रोलर 8051 वो डिस्कस करेंगे, राइट. सबसे पहले हम बात करेंगे कीबोर्ड इंटरफेसिंग की. So, keyboard, we know that keyboard is widely used input device for all kind of digital system, जिससे हम कुछ ना कुछ input देते हैं to that system, ताकि हमें display पे कुछ output मिल सके, right? जो भी input होगी, maybe it alphabetical input या numerical digits हो सकते हैं, any kind of text, that is, वो हम input दे सकते हैं with the help of keyboard. To the processing system, that is from with the help of microcontroller, ठीक है. अब microcontroller में हम जो भी keyboard को attach करेंगे उसके साथ, तो that must support that. उसको पता होना चाहिए कि keyboard से कौन सी key press हुई है, और उसको बाद में binary language में convert करके then it has to display that key on the display devices like LCD, LED display या 7-segment display हो सकती है. Right, so let's start with that. The keyboard are widely used input devices being used in various electronics and embedded projects. अब normally किसी भी जो हम जिसमें कोई written work करते हैं, कोई भी हम कह सकते हैं कि जो input लेते हैं हम microcontroller के, ऐसे projects होते हैं जहाँ पे input देनी पड़ती है, तो वो उसके लिए keys की जरूरत पड़ती है, की पैड की जरूरत पड़ती है. तो वही चीज हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको इंटरफेस करवाना होता है और कैसे पिन डायग्राम उसका जनरेट करेंगे कि कीबोर्ड जो है वो सक्सेसफुली उससे इंटरफेस हो जाए कंट्रोलर से, राइट. दे आर यूज्ड टू टेक इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड फीड द सेम इनटू माइक्रो कंट्रोलर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, राइट. सो ये इनपुट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर या अल्फाबेट लेते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड माइक्रो कंट्रोलर and feed the same for the further processing. A clear knowledge on interfacing keyboard to 8051 is very essential while designing embedded system projects which requires character or numeric input or both. ठीक है, तो ये एक डायग्राम है जिसमें एक कीबोर्ड जो है वो माइक्रोकंट्रोलर के साथ हम इंटरफेस करवाएंगे और वो बाद में डिस्प्ले के साथ कनेक्ट होके वहां पे हमें आउटपुट शो कर देगा, राइट. अब हम जो कीबोर्ड यहाँ पे यूज करने वाले हैं विद द माइक्रो कंट्रोलर 8051, उसको हम मैट्रिक्स कीबोर्ड के नाम से जानते हैं. दैट वो ऐसा कीबोर्ड नहीं होगा कि जैसे हम नॉर्मली क्वर्टी कीबोर्ड जो कंप्यूटर के साथ हमारा अटैच होता है, वो कीबोर्ड हम इसके साथ अटैच नहीं करेंगे. दैट इज अ हेक्स कीबोर्ड, उसको हेक्स कीबोर्ड या मैट्रिक्स कीबोर्ड होता है, जिसके रोज एंड कॉलम्स में उसको डिवाइड किया होता है, वो हम इसके साथ इंटरफेस करेंगे. Before we interface the keypad with microcontroller, first we need to understand how it works. At the lowest level, keyboards are organized in a matrix of rows and columns. अब ये जो matrix keyboard का नाम matrix keyboard क्यों पड़ा? Because of the they are consisting of rows and column matrix, right? कुछ rows होंगे उसमें, कुछ columns होंगे. The CPU says both rows and columns through ports. अब जो हमारा controller का CPU है वो उस रोज एंड कॉलम्स को पोर्ट्स के थ्रू असेस करेगा. मतलब जो भी हमारे पास 4 पोर्ट्स अवेलेबल होती हैं कंट्रोलर में, उसमें से कुछ पोर्ट्स जो है वो कीबोर्ड के साथ अटैच होंगी. इन्होंने जैसे बताया है कि जैसे 2 8-bit पोर्ट्स कैन बी कनेक्टेड विद देन 8x8 मैट्रिक्स ऑफ कीज. अगर मैं 8x8 मैट्रिक्स कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे 2 पोर्ट्स यूज करनी होगी 8-bit की. एक रोज के लिए 8-bit की रोज को कनेक्ट किया जाएगा एक से, दूसरी 8-bit को कॉलम के साथ अटैच किया जाएगा, ठीक है. लाइक सेम सिंगल पोर्ट कैन बी असेस्ड फ्रॉम फॉर 4x4 मैट्रिक आल्सो. अगर हम 4x4 मैट्रिक्स कीबोर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक सिंगल पोर्ट से ही काम चल जाएगा, जिससे 4 बिट्स जो हैं वो हम पोर्ट की वो रोज के साथ और 4 बिट्स हम कॉलम के साथ अटैच कर सकते हैं. या ऐसे भी कर सकते हैं, हम एक पोर्ट की 4 बिट्स जो है वो रोज के साथ अटैच कर सकते हैं, और दूसरे पोर्ट की जो 4 बिट्स हैं लोअर 4 बिट्स, दैट कैन बी अटैच्ड विद द कॉलम्स आल्सो, राइट. सो इट कैन बी कनेक्टेड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, राइट. सो नेक्स्ट, द कीबोर्ड हियर वी आर इंटरफेसिंग इज अ मैट्रिक्स कीबोर्ड. हम जो कीबोर्ड यूज, ये देखिए, ये आपके सामने एक डिस्प्ले दिख रही है, ये मैट्रिक्स कीबोर्ड होता है जिसको 4x4 हम बोलते हैं.
ये इसको हम हेक्स कीबोर्ड भी बोलते हैं। हेक्स कीबोर्ड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज हैविंग ऑल द डिजिट्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर फ्रॉम 0 to F, राइट? सो दिस इज कॉल्ड हेक्स कीबोर्ड। द कीबोर्ड हेयर वी आर इंटरफेसिंग इज मैट्रिक्स कीबोर्ड। द की इज डिजाइंड विद द पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम्स। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये कॉलम्स हैं चार, दीज आर द फोर कॉलम्स एंड दीज आर द फोर रोज। ये मैट्रिक्स है 4x4 का, राइट? और इनके बीच में पुश बटन्स लगे हुए हैं। हम जैसे कोई पुश बटन सेलेक्ट करेंगे, पुश बटन प्रेस करेंगे, देयर विल बी एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ की बाय द माइक्रोकंट्रोलर। वो उस की को आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सी की प्रेस हुई है, देन उसी की को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आगे भेज देगा, जो कि स्काई कोड उसका जनरेट करके डिस्प्ले पे हमें शो कर देगा, राइट? इंटरफेसिंग कीबोर्ड विद माइक्रोकंट्रोलर। अब जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ इट विल आइडेंटिफाई द की, कि वो पुश बटन तो प्रेस हो गया बट उसको कैसे पता चलता है कि हमें कंट्रोलर को कैसे पता चलता है कि इन 16 कीज में से कौन सी की प्रेस हुई है। तो वो उसके लिए प्रोग्राम इसको लिखना पड़ता है कंट्रोलर को, जो कि हम कील सॉफ्टवेयर की हेल्प से उसमें लिखते हैं और उसको बर्न किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर में। देन वी विल कनेक्ट दैट की पैड टू द माइक्रो कंट्रोलर। ये अपने आप उसको जो भी की प्रेस होगी उसके अकॉर्डिंगली एक कोड जनरेट कर देगा, राइट? वो आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। अब इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, वेन एवर एनी बटन इज प्रेस्ड वी नीड टू गेट द लोकेशन ऑफ द बटन। जब भी कोई बटन प्रेस होता है वो लोकेशन उसकी असेस करता है, मींस द कॉरेस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम नंबर। अब लोकेशन का मतलब क्या है कि कौन सी रो और कौन से कॉलम के बीच वाला जो पुश बटन है वो प्रेस हुआ है, वो लोकेशन अपने आप माइक्रो कंट्रोलर पता करता है। वंस वी गेट द लोकेशन ऑफ द बटन वी कैन प्रिंट द करेक्टर अकॉर्डिंगली। जैसे ही लोकेशन का पता चल जाता है कंट्रोलर को, वो उसी करेक्टर को अकॉर्डिंगली प्रिंट कर देता है या डिस्प्ले डिवाइस की तरफ भेज देता है एग्जीक्यूट होने के लिए। Now the question is how to get the location of the press button. Main चीज है कि कैसे location को पता करता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। Scanning and identifying the key. सबसे पहले वो scan करता है कौन सी key press हुई है, जिसको identification भी बोलते हैं। The 4x4 matrix connected to two ports. 4x4 matrix जो है यहाँ पे हमने दो अलग अलग ports में connect की हुई है। The rows are connected to an output port. And the columns are connected to an input port. अब जो मान लो इन्होंने port 1 को output port का नाम दिया है, उसके जो first 4 bits हैं, जो कि D0 से D3, ठीक है, इनको उन्होंने rows के साथ connect कर दिया, these are rows, ठीक है जी। ये आप diagram अपनी copy पे बना लेंगे, ये बहुत important है। इसके बिना this is called interfacing diagram, इसके बिना number नहीं मिलेंगे आपको question में, ठीक है। तो रोज को इन्होंने आउटपुट पोर्ट जो कि पोर्ट 1 है उसके 4 बिट्स के साथ कनेक्ट कर लिया, और जो कॉलम्स हैं उसको हमने पोर्ट 2 जिसको इनपुट पोर्ट का नाम दिया उसके 4 लोअर बिट्स के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो कॉलम्स हैं उनको VCC के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, द VCC इज गिवन टू द कॉलम्स। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द रोज आर ग्राउंडेड, जो रोज है उनको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ग्राउंड मतलब उनको जीरो लॉजिक लेवल दिया हुआ है। एंड व्हेनेवर द की इज प्रेस्ड वन ऑफ द कॉलम्स विल हैव जीरो सिंस द की प्रेस प्रोवाइड द पाथ टू ग्राउंड। अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही कोई की प्रेस करते हैं, अब इन रोस को उन्होंने ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया है, जैसे ही कोई की प्रेस करेंगे रो एंड कॉलम विल गेट शॉर्टेड, रोज एंड कॉलम दोनों शॉर्ट हो जाएंगे, वही कॉरेस्पॉन्डली जो कॉलम है वो भी ग्राउंड में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब उसको लॉजिक 1 दिया था VCC, वो भी 0 हो जाएगा जब कोई की प्रेस होगा, तो उससे वो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि कोई ना कोई की प्रेस हुआ है, राइट? अब अगर कोई की प्रेस नहीं हुआ, इफ नो की हैज बीन प्रेस्ड रीडिंग द इनपुट पोर्ट, इनपुट पोर्ट कौन सा है, कॉलम का, यील्ड 1 फॉर ऑल द कॉलम्स। जब तक कोई की प्रेस नहीं होगा यहाँ सब में 1111 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा, राइट? जब तक ये 1 इनपुट को रीड कर रहा है तब तक जो है वो उसको पता चल जाएगा कि there is no key pressed till now, right? जैसे ही कोई की प्रेस होगा इन चारों में से किसी एक पे 0 आ जाएगा, वो ग्राउंड को कनेक्ट हो जाएगी वो वाली पिन, तो उससे पता चल जाएगा माइक्रो कंट्रोलर को कि सम की हैज बीन प्रेस्ड, राइट?
तो ये क्लियर हो गया आपको। ये डायग्राम आपने ऐसे बनाना है कि जो कॉलम्स हैं उसको वीसीसी के साथ कनेक्ट करना है और जो रोज है दैट इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड, ये आपने याद रखना है राइट। और ये बीच में पुश बटन्स दिए हुए हैं, इनका नाम दिया हुआ है 0 से लेके F तक, हेक्स कीपैड है ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, सबसे पहला काम क्या होगा इसका कंट्रोलर का, टू आइडेंटिफाई द प्रेस्ड की, ग्राउंडिंग द रोज एंड रीडिंग ऑल द कॉलम्स। अब देखिए, टू डिटेक्ट अ प्रेस्ड की फर्स्ट वी हैव मेड ऑल द रोज टू लॉजिक लेवल 0 एंड द कॉलम्स टू लॉजिक लेवल 1। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो रोज है उनको ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया होता है, मतलब उसको लॉजिक लेवल दिया होता है सबको, और जो कॉलम्स हैं वो वीसीसी के साथ कनेक्टेड होती है, सो दे आर गेटिंग लॉजिक लेवल 1 ठीक है। इफ द डाटा रीड फ्रॉम द कॉलम इज 1111, अभी आपको बताया कि अगर कॉलम में 111, या ये आप देखिए नीचे डायग्राम में, ये कॉलम C1 में 1 है, C2 में 1 है, C3 में 1 है, C4 पे 1 है, और रो 1 में 0 है, रो 2 में 0 है, रो 3 में 0 है, रो 4 में 0 है। रोज को ग्राउंड के साथ, कॉलम को वीसीसी के साथ कनेक्ट करेंगे जब, और जब कॉलम 1111 शो कर रहा है जब तक, then no key has been pressed and the process continues until a key press is detected, right? यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि जब तक कॉलम्स में 1111 आ रहा है तब तक कोई की प्रेस नहीं हुई है। Whenever we press a button, column and row corresponding to that button get shorted and make the corresponding column to logic level 0. अब जैसे ही कोई की प्रेस होती है, like इन्होंने यहाँ पे शो किया है ये की प्रेस हुई है, अब इस की को जब प्रेस किया गया है तो R2 जो हमारी 0 थी ऑलरेडी, उसके कारण क्या हो गया, कॉलम ये शॉर्ट हो गया, कॉलम एंड रोज गेट शॉर्टेड। अब जो कॉलम है C3 वो भी वहां पे 0 आ गया, बिकॉज इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द ग्राउंड नाउ राइट। सो देर विल बी लॉजिक लेवल 0 एट दैट कॉलम। अब जैसे ही लॉजिक लेवल 0 आता है, सी वी गेट द कॉलम नंबर। अब माइक्रो कंट्रोलर को कॉलम नंबर जो है वो पता चल जाता है, उसको पता चल जाता है कि C3 कॉलम में कोई बटन प्रेस हुआ है। अब C3 बटन में ये 4 कीज है, 1 2 3 4, ये अभी तक उसको नहीं पता चला, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग अ फिजिकल आईज राइट, उसको वो देख नहीं रहा होता है कंट्रोलर जो है कीबोर्ड को, उसको जस्ट एक कहते हैं ना कि उसको ऐसा हम कह सकते हैं कि सेंस हुआ है कि ये की प्रेस हुई है, बट कौन सी की प्रेस हुई है ही हैज टू फाइंड दैट राइट। सो कॉलम नंबर उसको पता चल गया, नाउ ही हैज टू फाइंड द रो नंबर। वो कैसे पता चलेगा उसको, लेट्स स्टार्ट विद दैट, फाइंडिंग द रो टू आइडेंटिफाई द प्रेस्ड की। आफ्टर अ की प्रेस इज डिटेक्टेड, जैसे ही कोई की प्रेस होती है, द माइक्रो कंट्रोलर विल गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द की। नाउ वी नीड टू फाइंड द रो नंबर। सबसे पहले, इससे पहले ना एक चीज होती है, वो चेक करता है डी बाउंस को, जो हमारा कंट्रोलर है वो 20 नैनो सेकेंड के बाद भी वो कॉलम को चेक करता रहेगा कि वहां पे एक्चुअल में 0 आया हुआ है या नहीं। कई बार ऐसे होता है कि हम भी देखते हैं कि हमारा हाथ लग जाता है की पैड पे और वो की प्रेस हो जाती है ठीक है, और की जब प्रेस होती है कई बार वो आउटपुट पे हमें दिखती नहीं है, बट वो क्यों होता है ऐसे, बिकॉज हमारी जो की जब हम अचानक से अनकॉन्शियसली प्रेस कर देते हैं और 20 नैनो सेकेंड से पहले पहले वो हाथ उठ जाता है वहां से और की वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है, तो वो उसको की प्रेस नहीं मानता है, मतलब वो एक 20 नैनो सेकेंड का एक साइकिल होता है जिसको वो कहता है कि अगर 20 नैनो सेकेंड के बाद भी वो की प्रेस्ड है तो उसको वो करेक्टर मान लेगा, तो उसको वो प्रेस्ड मान लेगा, अगर उससे पहले पहले हाथ उठ जाता है उसका यूजर का तो वो उसको की प्रेस नहीं मानता है ठीक है। तो वो आफ्टर 20 नैनो सेकंड भी ये चेक करेगा कि वो सच में कॉलम जो है वो 0 है, वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, अगर है तो वो फिर रो नंबर को फाइंड करता है राइट। सो दिस इज कॉल्ड अ डी बाउंस प्रोसेस, मतलब वो बाउंस जो है उसका की का, जैसे हमने प्रेस किया वो उसकी डीबाउंसिंग चेक करता है कि 20 नैनो सेकंड में वो डीबाउंसिंग हुई है नहीं ठीक है। तो आफ्टर वो दैट चेक प्रोसेस, अब वो रो नंबर को फाइंड करेगा। नाउ वी नीड टू फाइंड द रो नंबर स्टार्टिंग विद द टॉप रो, सबसे पहले जो टॉप रो है उससे स्टार्ट करेंगे। द माइक्रो कंट्रोलर ग्राउंड्स इट बाय प्रोवाइडिंग अ लो टू रो D0 ओनली। अब वो क्या करेगा, हमारे पास यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूं जिससे हमें पता चलेगा कि वो डायग्राम क्या कह रहा था। ये D0 है रो का,
ये रो जीरो मतलब रो वन है, ये डी वन के साथ कनेक्टेड है, ये रो डी टू के साथ कनेक्टेड है, और लास्ट वाली डी थ्री के साथ कनेक्टेड है। अब माइक्रो कंट्रोलर ने उसको फाइंड करना है कि कौन सी रो में की जो है वो प्रेस्ड हुई है। वो कैसे करेगा? सबसे पहले उस डी जीरो को पूरा ग्राउंड कर देगा, ठीक है, मतलब उस डी जीरो को पूरा जो है वो एक जीरो सिग्नल प्रोवाइड कर देगा, राइट। अब अगर उस की में, अगर उस कह सकते हैं हम कि उस रो में अगर कोई की प्रेस हुई है, तो वो कॉलम को जो है वो जीरो प्रोवाइड कर देगी, अदरवाइज वहां पे कोई की प्रेस नहीं हुई है तो कॉलम विल नॉट गेट अफेक्टेड, ठीक है। देन इट रीड्स द कॉलम, उस पूरी रो को जीरो प्रोवाइड किया। अब उस रो में अगर इस डी जीरो में यहाँ पे चार कॉलम्स के साथ कनेक्टेड है, एक की, दो की, तीन की, चार की, अगर तो उसमें से कोई की प्रेस हुई है, ठीक है, तो वो एज सच कॉलम को जीरो कर देगी, मतलब वो कॉलम वहां पे रीड करेगा, बट कॉलम वहां पे क्या शो कर रहा है, वन 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 वन, बिकॉज वहां पे कोई की प्रेस नहीं हुई है, ठीक है। इफ द डाटा रीड इज ऑल वन, अगर तो कॉलम में सब वन 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 ही है, आफ्टर गिविंग ग्राउंडिंग टू डी जीरो, नो की इन दैट रो इज एक्टिवेटेड, तो वो उसको पता चल जाएगा कि इस रो की कोई की प्रेस नहीं हुई है, एंड द प्रोसेस इज मूव टू द नेक्स्ट रो, ठीक है, और वो अगले जो रो की तरफ मूव हो जाएगा। इट ग्राउंड्स द नेक्स्ट रो, फिर डी वन को वो जीरो लेवल देगा, ग्राउंड प्रोवाइड करेगा मैनुअली, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ऐसी देंगे हम कि डी वन सारा जीरो 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 हो जाएगा, मतलब जो डी वन पे ना उसको जीरो दिया जाएगा, फिर वो कॉलम को रीड करेगा। अब रीड जब करेगा, इट विल अगेन चेक फॉर एनी जीरो, वो अगेन कॉलम को चेक करेगा कि वन 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 की जगह कोई जीरो आया। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द रो इज आइडेंटिफाइड, वो तब तक करेगा जब तक उसको रो पता नहीं चल जाती। वंस आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रो इन विच द की हैज बिन प्रेस्ड, द नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट विच कॉलम द प्रेस्ड की बिलोंग्स टू, फिर उसको ये पता चल जाएगा कि कौन सा की प्रेस हुआ है, वो रोज एंड कॉलम का जो है वो जो कनेक्शन है उससे, तो उसको पता चल जाएगा कि दिस रो एंड दिस कॉलम इज हैविंग जीरो पिन, तो उससे उसको की का पता चल जाएगा, और ऐसे ही वो आगे उसको एग्जीक्यूट कर देगा टुवार्ड्स अ डिस्प्ले, राइट। सो दिस इज हाउ द कीबोर्ड इंटरफेसिंग विद द माइक्रो कंट्रोलर वर्क्स, राइट। ये सारी उसकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस थी। आपने जो है, मैं आपको एक बार दोबारा इसको रिवाइज करवा सकता हूँ, आपने ये डायग्राम बनाना है, इंटरफेसिंग डायग्राम, इसके ऊपर स्कैनिंग एंड आइडेंटिफाइंग द की है, ये उसका सबसे पहला प्रोसेस है, वो स्कैन करेगा हर उसको स्कैन करता रहेगा कॉलम्स को, वन 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 से जैसे ही कोई जीरो आता है तो उसको पता चल जाएगा कोई की प्रेस हो गई, देन ग्राउंडिंग द जीरो एंड रीडिंग द कॉलम्स, फिर वो उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि जो कौन सा कॉलम नंबर उसको मिला है, आफ्टर गेटिंग द कॉलम नंबर फिर वो उसको रो नंबर को फाइंड करेगा, एक एक रो को ग्राउंड देने के बाद, तो फाइंडिंग द रो टू आइडेंटिफाइंग द प्रेस की, ये तीनों जो पैराग्राफ्स है ये आपने लिखने हैं। उसके बाद ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, फ्रॉम फिगर 12.6, ये फिगर नीचे दी हुई है आपको, गिवन है, इसमें उन्होंने कहा आइडेंटिफाइंग द रो, आइडेंटिफाई द रो एंड कॉलम ऑफ द प्रेस्ड की ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, अगर ये रोज रो में ये सिग्नल आ रहा है 1110 एंड कॉलम में सिग्नल आ रहा है 1011, तो वो कह रहा है आइडेंटिफाई करो कि कौन सी की प्रेस हुई है। अब रो में 1110 है, दैट मींस ये डी थ्री में वन, डी टू में वन, डी वन में वन, डी जीरो में जीरो, ठीक है, और कॉलम में यहाँ पे है 1011, डी थ्री से शुरू करेंगे 1011, तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास की निकल के आ रही है दैट इज अ टू, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द रो बिलोंग्स टू डी जीरो, द कॉलम बिलोंग्स टू डी टू, देयर फोर की नंबर टू वाज प्रेस, तो उससे पता चल जाएगा कि दो नंबर प्रेस हुआ है, राइट। सेम सिमिलरली नेक्स्ट करते हैं जी, अब रो में 1101 है स्टार्टिंग फ्रॉम डी थ्री, यहां से देखो डी थ्री पे दिया है 1101, अब हमें पता चल गया कि डी वन रो में कुछ ना कुछ प्रेस हुआ है, ऐसे ही कॉलम है 0111, डी थ्री से स्टार्ट करेंगे 0111, 1 1
वन। अब ये D3 में कोई कॉलम में सिलेक्ट हुआ है जो की प्रेस हुआ है, ऐसे ही रो की D1 में। तो D1 और D3 का अगर कॉम्बिनेशन देखे तो हमें पता चल गया है कि 7 की जो है 7 नंबर प्रेस्ड, तो की नंबर 7 वाज प्रेस्ड। सो दिस इज हाउ, ये तो हम बेसिक पता कर रहे हैं ना। अब हम ऐसा प्रोग्राम देंगे कीबोर्ड को जो कि उसको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा की प्रेस हुआ है। प्रोसेस सेम रहेगा जैसे हम ढूंढ रहे हैं, बट वो थ्रू इंस्ट्रक्शंस इस बात को पता करेगा कि कौन सा की प्रेस हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए जो है एक प्रैक्टिकल में हम ये करके दिखाएंगे सारा कि कैसे किस की को प्रेस किया और कैसे उसने उस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू पता कर लिया कि कौन सी की प्रेस हुई है। राइट, सो थैंक यू। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में। अगर कोई इसके रिगार्डिंग आपको नहीं समझ आएगा, हम ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।